हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिकर और लिक्योर में क्या डिफरेंस है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लिक्योर्स को एक नॉर्मल लिकर से अलग बनाती है। सो फ्रेंड्स, जो लिक्योर रहता है इसको तीन फैक्टर्स की वजह से हम लिक्योर कहते हैं। द वेरी फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर इज ये जो लिक्योर्स होते हैं ये स्वीट रहते हैं, इनमें एडेड इन्फ्यूज शुगर रहता है। द सेकेंड इम्पोर्टेंट फैक्टर इज इनमें जो अल्कोहल स्ट्रेंथ होता है ये लेस देन 40% रहता है, तो कितना भी कम रह सकता है, 10% 15% 20%। इसकी वजह से ये हम नीट पी पाते हैं या फिर कॉकटेल मॉकटेल्स में भी इसका यूज बहुत होता है। फ्रेंड्स, द थर्ड एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज ये लिक्योर्स फ्लेवर्ड रहते हैं। सो वो ऑरेंज फ्लेवर रह सकता है या फिर कॉफी फ्लेवर रह सकता है, लेकिन लिक्योर हमेशा फ्लेवर्ड ड्रिंक ही रहती है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में काफ़ी सारे लिक्योर्स अवेलेबल हैं और हर एक लिक्योर की अपनी खासियत होती है। फ्रेंड्स, अल्कोहल के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि हमें पता है कि दिस इज अ विस्की, रम होता है, वोडका होता है, जिन होता है, ब्रांडी होता है, वैसे ही एक टाइप होता है फ्रेंड्स लिक्योर। ये लिक्योर्स काफ़ी पुराने ज़माने से चलती आ रही है। इनका जो इन्वेंशन था ये कुछ ऋषि मुनि या फिर मॉन्क्स जिनको हम कहते हैं, इन्होंने ये बनाई थी एज अ मेडिसिन पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी, कफ रेमेडी हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना हो। सो बहुत सारे लिक्योर्स तब लोग यूज़ करते थे एज अ मेडिसिन, लेकिन अभी के टाइम पे ये लिक्योर्स जो होती है वो लोग इन्जॉय करने के लिए यूज़ करते हैं, नाइट क्लब्स में वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, इनकी कॉकटेल मॉकटेल्स ज़्यादा बनती है, नीड भी इनको शॉट्स में पिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये जो है दिस इज येगरमाइस्टर, ये एक मिस्टीरियस ड्रिंक है और इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है ये जर्मनी में हुआ है, वुल्फनबिटल में। सो इसका एक अपने आप में बहुत बड़ा हिस्ट्री है और ये मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसका मैं टेस्टिंग, नोजिंग और पैलेट करके आपको बताऊंगा ये लिक्योर पीने में कैसा है। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही था। सो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये आप अगर आपने कभी लिक्योर ट्राई नहीं करा है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इवन लेडीज़ भी लिक्योर्स पीना बहुत एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, जिनको अल्कोहल, हार्ड अल्कोहल या विस्कीज नहीं जमता वो लिक्योर्स को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ट्रस्ट भी आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। जय हिंद।